हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ मोटो G82 5G के साथ पोको X4 प्रो 5G का। देखेंगे दोनों फोनों से कौन सा फोन बेहतर है देखने के लिए मिलता है, और अगर आपको खरीदना है तो आपके लिए कौन सा बेहतर होगा जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन में एंड तक बने रहेगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोटो G82 का जो डिज़ाइन है वो आप देख ही सकते हो, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, और इसका बिल्ड क्वालिटी आपको प्लास्टिक पर देखने के लिए मिलता है। और पोको X4 प्रो का जो डिज़ाइन है वो आप देख ही सकते हो, और इसका बिल्ड क्वालिटी आपको ग्लास देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद वोडिंग थिकनेस की बात करते हैं तो मोटो G82 का वोडिंग देखने के लिए मिलता है 173 ग्राम का थिकनेस देखने के लिए मिलता है 7.9 mm का। पोको X4 प्रो के अंदर आपको 205 ग्राम का वोट और 8.1 mm की थिकनेस देखने के लिए मिलता है। तो आप देख ही सकते हैं पर लाइट वेट स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है मोटो G82। डिस्प्ले की बात करते हैं तो मोटो G82 के अंदर आपको 6.6 इंचेस का सुपर पीओले डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इसके अंदर आपको 360Hz की टच सैंपलिंग रेट देखने के लिए मिल जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, और कितना ब्राइटनेस है इसके अंदर ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपका पीओले डिस्प्ले है तो ब्राइटनेस में आपको कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये डिस्प्ले एक 10-bit डिस्प्ले है, और नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले से ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। पोको X4 प्रो 5G की बात करते हैं, पर आपको 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 360Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ। और यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, और इसके अंदर आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर ब्राइटनेस के मामले में आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है पोको X4 प्रो के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फ्लैगशिप डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है मोटो G82 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको एक 10-bit डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में मोटो G82 बेहतर है। कैमरा की बात करते हैं तो मोटो G82 के अंदर आपको 50 MP का मेन सेंसर दिया गया है विथ OIS। इसका अपर्चर है 1.8 अपर्चर प्लस 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 2 MP का मैक्रो सेंसर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है 16 MP का। और इस स्मार्टफोन के रियर और फ्रंट साइड से आप वीडियोज़ को रिकॉर्डिंग कर पाएंगे फुल HD की 30 FPS पर। और पोको X4 प्रो 5G की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 64 MP का मेन सेंसर, 1.8 अपर्चर के साथ 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 2 MP का यहाँ पर मैक्रो सेंसर यूज़ किया गया है। और फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो आप फ्रंट और रियर से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। तो फ्रेंड्स, आप कैमरे की बात करते हैं कौन सा आपको बेहतर देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर रेजोल्यूशन के मामले में पोको X4 प्रो आपको थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको OIS देखने के लिए मिलता है मोटो G82 के अंदर। मतलब आपको यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है मोटो G82 के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज देखने के लिए मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मोटो G82 जो है वो आपको विनर देखने के लिए मिलता है कैमरे के अंदर। बैटरी की बात करते हैं, दोनों फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर मोटो G82 के अंदर 33W का एक फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है, और पोको X4 प्रो 5G के अंदर आपको 67W का फास्ट चार्जिंग दिया गया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मोटो G82 के अंदर आपको MIUX देखने के लिए मिलता है एंड्रॉयड 12 के साथ, और MIUX जो है इसकी वजह से आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। पोको X4 प्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको MIUI देखने के लिए मिलता है एंड्रॉयड 11 के साथ। तो इसके अंदर आपको एप्स और एड्स थोड़े बहुत देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर UI के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मोटो G82 का जो UI है वो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। और दोनों फोन के 5G बैंड्स की बात करते हैं तो मोटो G82 के अंदर आपको 13 5G बैंड्स देखने के लिए मिलता है, और पोको X4 प्रो में आपको 7 5G बैंड्स देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर 5G बैंड्स के मामले में आपको मोटो G82 थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिलेगा। प्रोसेसर की बात करते हैं तो दोनों फोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695। ये प्रोसेसर आपका 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, और इसके अंदर GPU देखने के लिए मिलता है एड्रिनो 619। LPDDR4X रैम देखने के लिए मिल जाता है, UFS 2.2 का स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है। और इस प्रोसेसर के अंदर जो स्कोर की बात करते हैं तो इस प्रोसेसर के मदद से आपको 3.8 लाख से लेकर आपको 4 लाख प्लस तक एंटूटू स्कोर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब आप अच्छी खासी गेमिंग भी कर पाएंगे। और दूसरे अदर्स फीचर्स की बात करते हैं, दोनों फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा, इधर उधर की सभी सेंसर देखने के लिए मिलेगा। दोनों फोन के अंदर आपको 3.5 mm का जैक देखने के लिए मिलेगा, डुअल स्पीकर देखने के लिए मिलेगा। दोनों फोन के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और दोनों फोन के अंदर आप 1 TB तक मेमोरी कार्ड को एक्सपेंड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मोटो G82 के अंदर आपको थोड़ा सा एडवांटेज देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर आपको NFC भी देखने के लिए मिल जाता है। और दोनों फोन की प्राइसिंग की बात करते हैं तो मोटो G82 का 6GB प्लस 120GB वाला वेरियंट आपको 21,500 रुपये में देखने के लिए मिलता है। और अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है
तो इसकी मदद से आप इसको 20,000 रुपए में खरीद सकते हैं। और इसके 8GB 128GB वाला वेरियंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 23,000 रुपए में देखने के लिए मिलता है। और अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो इसकी मदद से आप इसको 21,500 रुपए में खरीद पाएंगे। और यहाँ पर पोको X4 Pro 5G की बात करते हैं तो आपको 6GB 64GB वाला वेरियंट आपको 16,999 रुपए में देखने के लिए मिलता है। और अगर आप SBI का कार्ड लगाते हो तो यहाँ पर आपको ये 15,200 के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और 6GB 128GB वाला वेरियंट आपको 18,000 रुपए में देखने के लिए मिलता है। और अगर आप SBI का कार्ड लगाते हो तो ये आपको 16,150 रुपए में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर 8GB 128GB वाला वेरियंट की बात करते हैं तो ये आपको 20,000 रुपए में देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप कार्ड ऑफर लगाते हो तो आपको 18,050 रुपए में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोनों फोन का प्राइसिंग यहाँ पर लगभग सेम देखने के लिए नहीं मिलता, थोड़ा सा महंगा आपको मोटो G82 देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो फीचर्स दिए गए हैं मोटो G82 के अंदर आपको एक बड़ी ऐसा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है जो कि एकदम फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले है। और यहाँ पर आपको कैमरे के अंदर आपको OIS भी देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो Moto G82 का प्राइस है वो आपको काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर आपको एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले चाहिए, आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस कैमरा आपको अच्छा खासा चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए Moto G82 बेहतर होने वाला है। लेकिन आपका बजट थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर आपके लिए पोको X4 Pro भी काफी अच्छा खासा होने वाला है। यहाँ पर काफी अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।